हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर. सो एज यस्टरडे आई हैव प्रॉमिस यू कि कल एक वीडियो मिलेगी मतलब आज के दिन में एक वीडियो बनेगी किसके ऊपर एस एम आई पी ओ आपको पता है दो तरीके के आईपीओ होते हैं मेन बोर्ड आईपीओ जो कि हम मोस्टली हम देखते ही है या जैसे ग्लैंडमार्क आईपीओ हो गया रोलेक्स रिंग्स हो गया जोमेटो का आईपीओ आया था जो भी आप इक्विटी में डील करते हैं मोस्टली वो वाले आईपीओ जो कि ऑलरेडी आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं उनसे रिलेटेड बट अगर एक बात करें एक अलग आईपीओ भी होता है एस एम आई पी ओ एसएमई आईपीओ क्या होता है उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है उसके फायदे क्या है उसके नुकसान क्या है एज वेल एज उनके बीच मेन uh, बोर्ड जो आईपीओ uh, होता है जो आप देखते हैं आते हुए उनके बीच में एज वेल एज एसएमई आईपीओ इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है इन इन चीजों से रिलेटेड हम बातें करेंगे जानेंगे एसएमई आईपीओ को पूरी कंप्लीट वे से ताकि आ, कभी भी आपके आ, कोई क्वेश्चन करे कि एस एम होता आई होता है क्या या फिर आप एस एम आई के लिए जाए कभी अप्लाई करने के लिए तो आपके माइंड में वो चीज तुरंत स्टेक होनी चाहिए कि हाँ भाई ये आई होता है एस और हमें इसमें अप्लाई करना है कि नहीं ये रिस्क इसके साथ जुड़े हुए हैं ये पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ जुड़े हुए हैं तो ऐसे मी आईपीओ को समझते हैं बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े ऐसे में आईपीओ को हम समझे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलती रहे और आपसे एक मेन रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को शेयर तो करे ही करें प्लस में लाइक जरूर करें लाइक करना बिल्कुल ना भूलें साथ सबसे पहले लाइक करें करे, वीडियो को देखिए और हम आई स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है ओके okay, बारह तारीख को इसकी न्यूज आएगी बट यहाँ पर किस तरीके से जिनके पास स्टॉक नहीं है वो स्विंग ट्रेडिंग से फायदा उठा सकते हैं इस वीडियो को जाके देख लीजिए बाकी यहां पर प्ले है प्ले में जाइए और प्ले में जाके बहुत सारी वीडियो देखिए सीखिए सीख के यहाँ पर आप अच्छा खासा नॉलेज ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे तो आइए वीडियो की तरफ सबसे पहले जानते हैं एस होता क्या है एस देखिए मार्केट में आपने देखा होगा जोमेटो आया जोमेटो आपको क्या लगता है छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी है इट इज अग कंपनी इट इज अ मॉन्स्टर अगर कहा जाए यहाँ पर का आ, मतलब फूड डिलीवरी का एक मॉन्स्टर कह सकते हैं इसे तो मतलब एक बड़ी कंपनी है लेक्स ऑफ रुपीज की कंपनी है बट उन्हें पैसा जुटाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती देखिए साठ हजार करोड़ की कंपनी थी दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उसमें आ, मतलब एप्लीकेशन लगी हुई थी तो आप समझ रहे हैं मतलब उससे पैसे देने के लिए लोग बेकरार थे बट एक कंपनी ऐसी भी होती है जो आपके घर के आसपास होगी शायद आपको नहीं पता होगा उसका नाम बट वो एक छोटी कंपनी है ओके okay, उसका मार्केट कैपिटल कम है बट उसे भी पैसों की रिक्वायरमेंट है राइट बिकॉज उन्हें आगे बढ़ने के लिए उन्हें चलाने के लिए वो स्टार्टअप होते हैं कुछ स्टार्टअप होते हैं जिन्हें उन्हें पता होता

उस आ, उस कंपनी का आईपीओ लाके एसएमई उसे कहते हैं एसएमई आईपीओ मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज आईपीओ तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये छोटी कंपनी होती है ओके जिन्हें पैसे की जरूरत होती है तो इसलिए वो यहाँ पर मार्केट में आते हैं अपने आप को लिस्ट कराते हैं और फिर वहाँ पर से वो पैसा कमाते हैं तो इसमें होता क्या है तो देखिए जो ये ऐसा एसएमई प्लेटफॉर्म ऑफ द एक्सचेंज

इन्वेस्ट करने का फायदा क्या है जिससे रिलेटेड तो बात करेंगे ही करेंगे बट बत आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो च, आ, ये थोड़े से रिस्की होते हैं क्योंकि स्टार्टअप्स होती है छोटी कंपनी अभी देखा है आपने पेंडेमिक आया पैंडमिक आने के बाद जो छोटी छोटी कंपनी थी यहाँ पर बंद होती हुई नजर आई या उनका बिजनेस होता हुआ नजर बंद होता करें हीरो होंडा की मारुति की, की, की okay, यहाँ बात करें टाटा मोटर्स की, की, की मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उन्हें एज यहाँ पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा ओके okay, फर्क सबको पड़ा बट इतना फर्क नहीं पड़ा बट स्टिल आर ग्रोइंग पैंडमिक में भी

और उसमें उन्होंने पैसा लगाया तो एटलीस्ट वो उस कंपनी के साथ लास्ट तक जुड़े रहे ताकि वो अगर कंपनी मल्टी बैगर बनी फ्यूचर में तो वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न ही देती हुई नजर आएगी तो दस रुपए का शेयर शायद आपका दस हजार रुपए और एक लाख रुपए का शेयर बन जाए तो ऐसी कंपनी छोटी छोटी काफी बड़ी भी बन जाती है और काफी कंपनी कई नैया भी डूब जाती है तो इस चीज को आपको याद रखना होगा अब जानते हैं कि एस एम के और मेन बोर्ड जो मेन होता है आईपीओ उसके बीच का डिफरेंस क्या है इसमें आपको सब चीज समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर है क्या तो अगर बात करें बेसिस ऑफ डिफरेंस तो मेन बोर्ड आईपीओ आपको समझ में आ गया कि बड़े बड़े आईपीओ जो, जो छोटे आईपीओ निकाले जाते हैं के लिए इसके अलावा बात करते post -issue paid up capital. तो अगर बात करें

और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पचास एलओटीज भी होंगे ना तो उनसे भी काम चले जाएगा तो यहाँ पर यही चीज दिखाता है कि ये छोटा आईपीओ ये बड़ा आईपीओ है इसके अलावा बात करें आईपीओ अंडर राइटिंग तो अंडर राइटिंग की अगर हम बात करते तो देखिये नॉन मैंडेटरी मतलब यहां पर इस चीज की कोई जरूरत नहीं है अंडर फिफ्टी परसेंट कम्पल्सरी सब्सक्रिप्शन टू क्यू ऐसा कोई यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है इसके अलावा यहाँ पर देखिए मैंडेटरी हंड्रेड परसेंट अंडर राइट विद मर्चेंट बैंकर अंडर राइटिंग मतलब तो यहाँ पर अगर बात करें हंड्रेड परसेंट

पर पर बहुत बड़ा भारी जुर्माना भी पर देना पड़ेगा चाहे कोई भी कंपनी हो इसलिए वो चीज इसे भी उनके ऊपर नजरें बना के रखती है बट अगर बात करें इसकी तो रिलैक्स नॉर्म्स होते हैं इसके इतने ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाता है कि क्योंकि छोटी कंपनी है थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कतें हो सकती है तो इस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं बाकी यहाँ पर तो इस चीज़ से आपको क्या समझ में आ रहा है उससे रिलेटेड बातें करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये नॉर्म्स यहाँ पर अगर बात करें ये थोड़ा सा सेफ है और यहाँ पर रिलैक्सेशन जहाँ पर मिल जाती है तो वहां पर थोड़ा सा अगर बात करें वहां पर रिस्क आ जाता है इसके अलावा बात करें ऑफर डॉक्यूमेंट वेटिंग तो देखिए यहाँ पर सेबी जो होता है जो यहाँ पर बड़ी कंपनी होती है जिसमें हम अभी डील करते हैं जो इक्विटीज में उसमें सेबी सब पे नजर बना के रखती है उनका जो बाप है वो सेबी है बट यहाँ पर अगर बात करें सेबी सेबी से, आ, से यहाँ पर कोई हस्तक्षेप मोस्टली नहीं करता बात करता है यहाँ पर हस्तक्षेप कौन करता है स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि वो या तो एन पे लिस्ट होगा या बी पे होगा तो एन या बी एस सी ही उनको ही देख करेगा तो यहाँ पर ये यह दोनों डिफरेंस भी है इसके अलावा बात करें आईपीओ एप्लीकेशन तो यहाँ पर देखिए आप फिफ्टीन से कम या फिर टेन टू फिफ्टीन के बीच में

तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो रिस्की बैट है क्यों है रिस्की बैट तो अगर हम बात करें देखिए यूजअली वेरी अर्ली इन द तो अगर बात करें है, जो कंपनी होती है ये अपनी इनिशियल स्टेज में होती है इनिशियल स्टेज का मतलब है कि कंपनी अभी यहां पर मार्केट में आई उसे तीन साल ही हुए हैं ओके क्योंकि इसमें एक नॉर्म्स हो रहा है कि इसे कम से कम तीन साल या तो होने चाहिए तीन साल कंपनी को हो गए हैं और तीन में से दो साल कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट दिखाया है तो ये यह आईपीओ यहाँ पर लाके पैसे कमा सकते हैं ऐसे में आईपीओ की बात कर रहा हूं तो इनिशियल स्टेज स्टेज हो गया मतलब तीन साल के अंदर अंदर तो आप तीन साल में जज नहीं कर सकते कि कंपनी की ग्रोथ क्या होगी कंपनी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी कि डायरेक्शन क्या होगी तो इसलिए यहाँ पर एक रिस्की बैट है तो यहाँ पर अगर, अगर अ, मल्टी निकला तो आपके बारे नियारे कर देगा आपके अच्छे खासे पैसे बना देगा जैसे गाँव में कहा जाता है बट अगर बात करें यहाँ पर अ, नहीं अ, अच्छा खासा बैट आपने नहीं ली अ, बेकार शेयर आपने चूज किया तो गिर भी सकता है इसके अलावा बात करें तो देखिए यहाँ पर लॉट साइज भी ज्यादा होता है और यहाँ पर अगर बात करें बिग एप्लीकेशन एंड लॉट साइज लॉट साइज की बात करें तो बड़े यहाँ पर सोलह सौ रुपए का सोलह सौ सो शेयर्स का होता है हजार शेयर्स का होता है इस तरीके का लॉट साइज होता है लॉट ऑफ शेयर्स के होते हैं बट यहाँ पर बात करें तो जो छोटे आई, बड़े आईपीओ होते हैं हो, उसमें केवल आप टेन शेयर हो गए ट्वेंटी शेयर हो गए शेयर हो गए इस तरीके से मिलते हैं और यहाँ पर पैसे की बात करें तो यहाँ पर एक लाख का है और यहाँ पर फोर्टीन टू फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज का यहाँ पर छोटा सा

तो पे यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इस चीज को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी कि शो प्रॉफिटेबिलिटी इन एटलीस्ट टू ऑफ द इमेजियर प्रोसीडिंग थ्री फाइनेंशियल इयर्स विच आ, विच, आ, विच आ, विद ईच इयर्स बीइंग अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट ट्वेल्व मंथ्स मतलब बारह महीने के अंदर यहाँ पर अगर बात करें

वर्थ uh, रिक्वायर्ड तो नेटवर्क यहां पर देखिए एक करोड़ रुपए की कम से कम यहां पर ईच प्रोसीडिंग थ्री फोर ईयर में यहां पर मैं अगर बात करें तीन साल में एक तक में एक एक करोड़ रुपए की यहां पर कम से कम नेटवर्थ होनी चाहिए और बट अगर बड़े आईपीओ की बात करें तो हर साल उनकी एक करोड़ रुपए की नेटवर्थ होनी चाहिए तीन साल में लगातार तो ये सारी चीज दे रखी है बाकी अगर बात करते हैं कुछ प्रॉस की तो यहाँ पर एक ही प्रॉज है यहाँ पर अगर बात करें एक ही फायदा है कि कंपनी स्टार्टअप में होती है तो कंपनी मतलब आपको बड़ी कम प्राइस पर भी मिल जाती है और आपको ज्यादा पैसा तो लगाना होता है बट अगर कंपनी चल गई तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न बना के देती है तो एक ही फायदा है, बाकी रिस्क की बात करें तो काफी सारे यहाँ पर रिस्क है तो जिनके पास पैसा कम होता है वो यहाँ पर अप्लाई करने की बिल्कुल ना सोचे क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा आपको रिस्क मिलता है ओके आपका अगर पैसा डूब गया आपके पास थोड़ी सी एक ही लाख रुपए एक लाख यहाँ लगा

का अपना प्लेटफॉर्म देते हैं कुछ नहीं देते तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपका दे रहा है बाकी एंजल ब्रोकिंग आई थिंक देता है तो यहाँ पर अगर आपका अकाउंट नहीं है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लिक करें करे फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं सभी तरीके के आईपीओ के लिए तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए किसी तरीके की कंफ्यूजन हो कमेंट करिए आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस